आज हीनास किचन में बन रहे हैं स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद, सर्दियों के लिए खास बिना चीनी के ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू। ये लड्डू हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएंगे। इसमें ढेरों ऐसी चीज़ें डाली गई हैं जो हमें अंदर से स्ट्रांग रखेंगी। सबसे पहले कढ़ाई में हम एक चम्मच घी लेंगे। देसी घी में ये लड्डू हम बनाएंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधी कटोरी गोंद। गोंद को हम धीमी आंच पर सेकेंगे ताकि ये अंदर से सिक जाएं और फूल कर ये क्रिस्पी हो जाएंगी। अब गोंद को हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये काफ़ी क्रंची हो गई हैं। इसके बाद हम उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और लेंगे और इसमें हम डालेंगे एक कटोरी मखाने। इसे भी आप धीमी आंच पर सेक लीजिए। मखानों में कैल्शियम और आयरन अधिक मात्रा में होता है। गोंद भी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसे भी आप धीरे धीरे आराम से सेकिए जब तक कि ये बिल्कुल क्रंची ना हो जाए। ये अब अच्छी तरह से सिक चुके हैं, इसे भी हम निकाल लेंगे। मखानों में बढ़िया सा क्रंच आ गया है। देखिए, ये आसानी से हाथ से टूट रहे हैं। अब हम आधी कटोरी नारियल का बूरा लेंगे। सभी चीज़ों को हमें मध्यम आंच पर ही सेकना है। हल्का गुलाबी होने तक आप नारियल का बूरा सेक लीजिए। इसे भी हम अलग से निकाल लेंगे। अब हम ड्राई फ्रूट्स लेंगे। थोड़े से बादाम और अखरोट मैंने लिए हैं। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इन्हें अच्छी तरह से घी में सेक लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स में मॉइस्चर ना रहे और इसे हम लंबे समय तक स्टोर कर सकें। उसी कढ़ाई में हम घी लेंगे। देसी घी में ही ये लड्डू बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। घी को आप पिघलने दीजिए। अब इसमें आधी कटोरी बेसन हम डाल देंगे। बेसन डालने से लड्डुओं में बहुत ही बढ़िया कलर आएगा और साथ में लड्डुओं का टेस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा। तो जब भी आप लड्डू बनाएं उसमें थोड़ा सा बेसन ज़रूर ऐड कीजिए। हल्की आँच पर धीरे धीरे बेसन को सेकिए। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब बेसन का कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पर हम गेहूँ का आटा डालेंगे। गेहूँ का आटा मैंने एक कटोरी लिया है। इसे मिक्स करते हुए धीरे धीरे सेकें। लगातार चलाते हुए इसे अच्छी तरह से आप सेक लीजिए। ये देखिए, आटे का कलर चेंज हो जाए तब तक इसे हमें भूनना है। अब आटा और बेसन अच्छी तरह से भून चुका है। देखिए, अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा होता है हम ड्राई फ्रूट्स मखाने और गोंद को पीस लेंगे। एक मिक्सचर जार में हम इसे दरदरा पीसेंगे। कुछ इस तरह का टेक्सचर हमें चाहिए। अब इस मिक्सचर को हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ हमारा भुना हुआ आटा भी ठंडा हो चुका है। इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो यहाँ इलायची पाउडर और सूंठ पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। अब ग्राइंड किए हुए ड्राई फ्रूट्स में हम ये आटा मिलाते जाएंगे। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। याद रहे, इसमें बिल्कुल गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक कटोरी गुड़ कढ़ाई में डाल दीजिए। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमें गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है। गुड़ पिघल जाए तब तक ही हमें इसे पकाना है। लगभग 3 से 4 मिनट आप इसे पकाइए। आप स्वाद के अनुसार गुड़ ज़्यादा या कम ले सकते हैं। ये देखिए, गुड़ अच्छे से पक चुका है। बस इतना ही हमें गुड़ को पकाना है। इसे आप जल्दी जल्दी आटे के मिक्सचर में मिला लें। इसे गरम गरम ही आप मिला लीजिए। अगर ये ठंडा हो गया तो लड्डू नरम नहीं बनेंगे, इसीलिए हम इसे जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे।
ये अभी थोड़ा गर्म है इसीलिए मैं चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसे हाथों से मिक्स करूँगी। हल्के गरम गरम में ही आप इसे लड्डुओं की शेप में बांध लें। कमर दर्द और घुटनों के दर्द के लिए ये लड्डू काफ़ी फायदेमंद हैं। इसे बच्चे बूढ़े सभी बहुत ही शौक से खाएंगे। सुबह में एक लड्डू खाने से आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करेंगे। इसी तरह से हम सभी लड्डू बना लेंगे। इन्हें आप एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए, एक लड्डू मैं तोड़कर बता रही हूँ, ये कितने सॉफ्ट हैं। रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।